वेलकम टू माय स्टडी फिफ्थ चैनल। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि भारत में सरल शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस हर बार हर एक एग्जाम में, चाहे KBS हो, NBS हो, UPTGT, PGT हो, LT ग्रेड हो, हर एक एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों। और इसका थ्योरेटिकल वीडियो देखने के लिए एकदम डिटेल में तो मेरे चैनल के हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपका इंडिया का इतिहास, सारी शिक्षा का, एंड ईरान का इतिहास, जर्मनी का इतिहास, फ्रांस का इतिहास, स्वीडन का इतिहास, सभी का इतिहास सीरियल वाइज से आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक यानी भारत में सारी शिक्षा के इतिहास रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों डेली बेसिस पे बने रहिए मेरे चैनल में बेहतरीन तैयारी के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का दायित्व है केंद्र सरकार का। किसका है? केंद्र सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलों और शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय करने का योगदान किसका है? तो खेलों और शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय करने का योगदान शिक्षा मंत्रालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को राष्ट्रीय स्तर पर किस स्तर पर बनाया जाता है? शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर। जैसा कि दोस्तों शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड यानी केंद्रीय परामर्श बोर्ड, सेंटर एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना 1950 में किया गया था शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए ताराचंद कमेटी के द्वारा। इसके प्रथम अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का यानी केंद्रीय परामर्श बोर्ड का, कि केंद्र सरकार को शारीरिक शिक्षा, खेलों, मनोरंजन तथा युवा वर्ग के विकास के लिए कार्यक्रमों का सुझाव देना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को बनाने का क्या उद्देश्य था? तो अभी मैं तुरंत बताई हूं, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो दोस्तों इसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। जैसा कि जो शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड कही जाता है, इसको केंद्रीय परामर्श बोर्ड यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कही, इसमें किसका प्रतिनिधित्व होता है? सभी राज्यों का। यानी इसके बारे में, इस बोर्ड में सदस्यों की जो संख्या होती है, सभी राज्यों से एक एक सदस्य इसमें होते हैं। और इसमें भारत सरकार द्वारा मनोनीत सारे शिक्षा के विशेषज्ञ होते हैं, और भारत सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षा मंत्रालय से अध्यक्ष तथा सचिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना क्यों की गई? राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान यानी कि NIS यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन यानी NIS की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कोच का प्रशिक्षण देने के लिए, राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए, और
खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान, यानी इसको शॉर्ट में कहेंगे NIS, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय खेल संस्थान, यानी राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान। इसकी स्थापना हुआ था 1961 में पटियाला में, मोतीबाग पैलेस में। और दोस्तों इसी का नाम आगे 23 जनवरी 1973 में हो गया NSNIS, यानी NIS के पहले NS लगा दिया गया, यानी कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है, अब आप कंफ्यूज में मत होइएगा, NIS को ही बाद में चेंज कर दिया गया, NIS के पहले NS लगा दिया गया, यानी कि नेताजी सुभाष लगा दिया गया। तो इसका पूरा नाम हो गया नेशनल नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1961 में। कब हुआ था? 1961 में, यानी कि 7 मई 1961 को यानी NIS पटियाला की स्थापना हुआ था। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य बार बार पूछा जाता है, आपको विशेष रूप से इसको ध्यान में रखना है कि एक कोचों को प्रशिक्षण देता है। किसको? कोचों को प्रशिक्षण देता है और राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण देता है और खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर के लिए इसको स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब किया गया, कहाँ किया गया? तो भारत में सबसे पहले YMCA, यानी कि YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका सबसे पहले स्थापना भारत देश में कहां पे किया गया? तो चेन्नई मद्रास में किया गया। किसके द्वारा किया गया? एक्सीबक, यानी कि हेनरी क्रोबक उनका पूरा नाम है, जिनको भारत में सारी शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है, यानी एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपको निकालना है। और दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि YMCA की स्थापना सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया था। कब? 6 जून 1844 को जॉर्ज विलियम द्वारा किया गया था। और अमेरिका में किया गया था 1883 में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में। तो आपको YMCA से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे पहले स्थापना कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में 6 जून 1844 को जॉर्ज विलियम द्वारा। और फिर अमेरिका में कब हुआ था? तो 1883 में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में। और भारत में YMCA की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में चेन्नई मद्रास में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिका के विशेषज्ञ थे हेनरी क्रोबक, यानी SC बक, जिनको भारत में सारी शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, इतने सारे क्वेश्चन YMCA से आपसे पूछ सकता है और हर बार इससे एक क्वेश्चन अवश्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में हुई? तो इसको मैं बता चुकी हूँ, 1920 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? SC बक द्वारा हुआ। कहाँ हुआ? मद्रास चेन्नई में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहां पे हुई? जैसा कि भारत देश में सबसे बड़ा संस्थान है फिजिकल एजुकेशन का, तो आपका यह है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 1957 में इसकी स्थापना हुआ। और कहां है ये? 1957 में स्थापना हुआ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। उस समय वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबद्ध था। और दोस्तों ये क्वेश्चन और पूछता है कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसके सुझाव पर हुआ? था ताराचंद कमेटी के सुझाव पर हुआ। इसके पहले आचार्य PM जोसेफ थे। एंड दोस्तों इसको
1982 में ऑटोनोमस यानी स्वायत्त शासित संस्था का दर्जा मिला और 2 सितंबर 1995 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया यानी कि एलियन आईपीई और 2008 में इसको पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया जिसको अब एलियन यूपीई यानी लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। और सन 2002 में यह युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार भारत के अधीन आ गया। और दोस्तों इसमें भी एक इम्पोर्टेंट है कि इसका एक और महाविद्यालय यानी कि संस्थान इसकी तरफ से है 1985 में त्रिवेंद्रम में खोला गया एंड 2010 में गुवाहाटी असम में इसका एक संस्थान एलियन आईपीई खोला गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सर्वप्रथम प्रधानाचार्य बनने का सौभाग्य किसे मिला? तो यह है पीएफ जोसेफ जी और इनको 1967 में पद्मश्री भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ को कब स्थापित किया गया? तो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ लखनऊ की स्थापना हुआ 1932 ईस्वी में। कब हुआ? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खेल काउंसिल के सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अखिल भारतीय खेल काउंसिल यानी कि अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के सर्वप्रथम अध्यक्ष थे जनरल के एम करियप्पा। कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। इसकी स्थापना यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। इसकी स्थापना 1954 में हुआ था मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना कहाँ हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीडी सोंधी थे। कौन थे? जीडी सोंधी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जीडी सोंधी का नाम एशियन गेम जब भी नाम सामने आता है तो जीडी सोंधी का नाम आ जाता है, क्योंकि एशियन गेम को शुरुआत करने वाले है जीडी सोंधी जो 1951 नई दिल्ली से एशियन गेम प्रारंभ हुआ। इसको शुरुआत करने वाले का शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो जीडी सोंधी को। जैसे ओलंपिक को, आधुनिक ओलंपिक को शुरुआत करने का श्रेय जाता है कुबर्टिन को, पीए डी कुबर्टिन को, उसी प्रकार एशियन गेम को शुरुआत करने का श्रेय जाता है जीडी सोंधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल फेडरेशन, राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होते थे? तो 8 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी फेडरेशन में झगड़ा या विवाद हो जाता है तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यदि किसी फेडरेशन में विवाद हो जाता है तो उसका समाधान अखिल भारतीय खेल समिति एवं भारतीय ओलंपिक समिति
द्वारा किया जाता है। मान लीजिए आपके देश में किसी फेडरेशन में एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में झगड़ा हो जाता है तो उसका निपटारा राष्ट्रीय समिति ही करेगा, विदेशी समिति तो करेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1951 में हुआ। नेक्स्ट है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को बनाया गया 1951 में। नेक्स्ट है, नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? तो नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ 1946 में। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया बिलियर्ड्स एसोसिएशन को कब बनाया गया? ऑल इंडिया बिलियर्ड्स एसोसिएशन को 1940 में बनाया गया। नेक्स्ट है, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? तो कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया 1950 में। नेक्स्ट है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1954 में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम्स में, हर बार रिपीट हुआ है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SGFI की स्थापना 1954 में हुआ। नेक्स्ट है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब हुआ? तो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना 1925 में हुआ। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना 1949 में हुआ। नेक्स्ट है, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ? तो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन 1945 में हुआ। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया? ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का गठन 1950 में किया गया। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी NSIS की कहाँ पे स्थित है? पटियाला में। और इसकी स्थापना कब हुआ दोस्तों? 7 मई 1961 को इसकी स्थापना हुआ एडहॉक इंक्वायरी कमेटी के द्वारा KL श्रीमाली के प्रयास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना पटियाला में किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसने की थी? KL श्रीमाली के द्वारा। ठीक है, KL श्रीमाली ने किया था। जो KL श्रीमाली कौन थे? एडहॉक इंक्वायरी कमेटी के स्थापना इन्होंने किया था और इसी कमेटी के द्वारा 7 मई 1961 को KL श्रीमाली के प्रयास से NSIS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका संचालन किया जाता है सोसाइटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम NFC की राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस साल में हुआ? तो 1959-60 में हुआ। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षा पुरुष वर्ग में ली जाती है तो 4
एंड राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षा महिला वर्ग में कितनी ली जाती है? तो 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को, जो मध्य प्रदेश ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना 1957 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को कितनी धनराशि दी जाती है? तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुआ था 1956-57 में, और इसको जीतने वाले सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय को दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय को दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो इसमें जीतने वाले विश्वविद्यालय को 15 लाख रुपए दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 15 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों आज तक में सबसे ज्यादा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जीता है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की प्रथम शाखा किस सन में बंगलोर में बनाई गई? तो 1978 में बनाया गया। नेक्स्ट है, वर्तमान में अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की शाखा किस स्थान पर है? तो यह है औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो H.L. गैरेट थे। वहीं पे पूछेगा कि पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के स्वतंत्रता के बाद अध्यक्ष कौन बने? तो G.D. सोंधी। नेक्स्ट है, पहली बार कला प्रतियोगिता को ओलंपिक में कब सम्मिलित किया गया? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, 1912 स्टॉकहोम स्वीडन में कला प्रतियोगिता को पहली बार ओलंपिक में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटिंग एंड ड्राइंग को किस वर्ष ओलंपिक पुरस्कार से बाहर कर दिया गया? तो इसको ओलंपिक पुरस्कार से 1949 में बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग का के खिलाफ शपथ दिलाई गई? तो कब दिलाई गई दोस्तों? 2000 सिडनी ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के विरुद्ध शपथ दिलाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के पद कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? IOA की 1927 में सर दुराबजी टाटा के प्रयास से। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसाई की कार्यकारिणी बैठक में बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो साई की कार्यकारिणी बैठक के अध्यक्ष होते हैं मानव संसाधन मंत्री। कौन होते हैं? मानव संसाधन मंत्री होते हैं। जैसा कि दोस्तों साई का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु योजनाएं या कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है, जैसे ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल खेल में होते हैं तो उनके होने से पहले इसकी तैयारी और प्रशिक्षित यह करता है साई। ठीक है, जैसा कि दोस्तों साई का नाम अब बदल गया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अब स्पोर्ट्स इंडिया कर दिया गया है। यहां से ए शब्द हटा दिया गया, यानी अथॉरिटी शब्द हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये दोस्तों मानव संसाधन
विकास मानव संसाधन मंत्री इसकी कार्यकारी बैठक के अध्यक्ष होते हैं। बट यह दोस्तों अब आ गया है, यह अब आ गया है युवा एवं खेल मंत्रालय भारत के अधीन। ठीक है, युवा एवं खेल मंत्रालय भारत के अधीन। नेक्स्ट दोस्तों, साय की आम सभा का सदस्य किसे बनाया जाता है? तो साय की आम सभा का सदस्य बनाया जाता है प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट है, साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दक्षिणी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसके दक्षिणी केंद्र का मुख्यालय है बंगलौर। कहाँ है? बंगलौर। जैसा कि दोस्तों साई के 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जैसा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले वीडियो में पूरा डिटेल में बताया गया है। तो 6 क्षेत्रीय केंद्र है जिसका मैंने सूत्र बनाया है, ट्रिक बनाया है, चंगाई बंदिक, यानी च से चंडीगढ़ हो जाएगा, ग से गांधीनगर, इसे इम्फाल, व से बंगलौर, दी से दिल्ली, क से कलकत्ता, यानी कि इसको 6 केंद्र क्षेत्रीय केंद्र है जिनके सभी केंद्रों के मुख्यालय कौन कौन से हैं। जैसा कि दक्षिणी केंद्र बंगलौर जो 1974 में बनाया गया, पूर्वी केंद्र कोलकाता जो 1982 में बनाया गया, उत्तरी केंद्र चंडीगढ़ है, केंद्रीय केंद्र आपका दिल्ली है, और पश्चिमी केंद्र गांधीनगर, और उत्तर पूर्वी केंद्र है इम्फाल, यानी 6 क्षेत्रीय केंद्र है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और साई के 4 खंड है जिसमें से अकादमिक खंड वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके अकादमी यानी शैक्षिक खंड, जिसमें खेलों की NSNIS यानी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, और शारीरिक शिक्षा के लिए बेस्ट है आपका LNCPE यानी कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो त्रिवेंद्रम में है 17 अगस्त 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार फिजिकल एजुकेशन कमेटी जिसको ताराचंद कमेटी कहा जाता है उसको कब बनाया गया? तो ताराचंद कमेटी की स्थापना 1948 में हुआ, किसके सुझाव पर? तो ताराचंद कमेटी के सुझाव हुआ 1948 में, और इसी के सुझाव पर 1957 में ताराचंद कमेटी की बनाया गया 1948 में, और इसके सुझाव पर 1957 में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ, और इसी कमेटी यानी ताराचंद कमेटी के सुझाव पर ही केंद्रीय परामर्श बोर्ड यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड 1950 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS की कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ 1954 JK भोसले के निर्देशन में। जैसे कि 1954 में आपको 2-3 चीजें याद रखना है, अखिल भारतीय खेल परिषद यानी कि अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना भी 1954 में हुआ है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में हुआ है, और यह नेशनल डिसिप्लिन स्कीम है ये NDS भी आपका स्थापना हुआ है 1954 में JK भोसले के द्वारा। नेक्स्ट है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब प्रारंभ की गई थी? तो राजकुमारी कोचिंग स्कीम प्रारंभ। नेक्स्ट है, पायोली एक्सप्रेस किस महिला को कहा जाता है? जैसा कि आप सब जानते हैं पायोली एक्सप्रेस PT उषा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्यायाम विशारद कब प्रारंभ किया गया? तो व्यायाम विशारद को प्रारंभ किया गया 1924 में। कब प्रारंभ किया गया? 1924 में। जैसा कि दोस्तों यह व्यायाम विशारद जो है 1924 में प्रारंभ किया गया, इस यह संस्थान जो है HVPM यानी कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा 5 सप्ताह का एक प्रशिक्षण कोर्स पुरुषों व महिलाओं के लिए आरंभ किया गया था
जिसको पूरा करने वाले को व्यायाम विशारद का प्रमाण पत्र दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजरू समिति की स्थापना कब हुई? तो कुंजरू समिति की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1959 में। कुंजरू समिति की स्थापना कब हुआ? 1959 में। 1959 में हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति की स्थापना किया। इसका कार्य क्या था दोस्तों? यह सरकार को शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन व विद्यार्थी अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव देना इसका कार्य था। और कुंजरू समिति ने अपना रिपोर्ट 1963 में पेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में योगा का जन्म हुआ? तो योगा का जन्म कब हुआ दोस्तों? योगा का जन्म किस काल में हुआ? वैदिक काल में। कब हुआ? वैदिक काल में। और एक क्वेश्चन और आता है कि किस काल में योगा पर प्रतिबंध हो गया? तो मुस्लिम काल में जन्म हुआ, वैदिक काल में प्रतिबंध लगाया गया, मुस्लिम काल में। नेक्स्ट है दोस्तों, रामायण और महाभारत किस काल में हुए? जैसा कि आप सबको पता है, यह महाकाव्य काल में हुए, इपिक पीरियड में। नेक्स्ट है, इपिक यानी महाकाव्य काल को में विद्यालय को क्या कहा जाता है? तो उस समय विद्यालय को गुरुकुल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गुरुकुल। नेक्स्ट है, किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए पढ़ाया जाता था? तो यह नालंदा काल में पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट है, किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों? ये क्वेश्चन आ गया आपका, तो मुस्लिम काल में, यानी शुरुआत किया गया वैदिक काल में और इस पर प्रतिबंध लगाया गया योगा पर मुस्लिम काल में। नेक्स्ट है, मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए मर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, YMCA की स्थापना चेन्नई में किसके द्वारा की गई थी? तो ये बात कई बार बताया जा चुका है, एससी बक द्वारा 1920 में मद्रास चेन्नई में किया गया था। एससी बक को यानी हेनरी क्रोबक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, HBPM की स्थापना किसने और कब किया था? तो इसकी स्थापना वैद ब्रदर ने किया था। HBPM की स्थापना किसने किया था? वैद ब्रदर ने 1914 में किया था, 1914 में किया था। या HBPM को फुल फॉर्म होता है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। इसकी स्थापना 1914 में अमरावती महाराष्ट्र में हुआ। दो वैद्य भाई अंबादास कृष्ण वैद्य तथा अनंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। इसका उद्देश्य था भारत में देशीय शारीरिक शिक्षा का विकास करना। नेक्स्ट है कि HBPM ने 5 वीक का समर कोर्स युवाओं के लिए किस सन में शुरू किया? तो यह सन 1924 में व्यायाम विशारद के रूप में HBPM ने 5 वीक का समर कोर्स युवाओं के लिए शुरू किया था। नेक्स्ट है, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना हुआ 1932 में। नेक्स्ट है, कार्निवली मुंबई में शारीरिक शिक्षा संस्थान का स्थापना कब हुआ? तो कार्निवली मुंबई में शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना हुआ 1938 में। नेक्स्ट है, NAPER की स्थापना कब हुआ? तो NAPER की स्थापना हुआ 1946 में। नेक्स्ट है, HBPM ने पहली बार ओलंपिक में व्यायाम का प्रदर्शन कब और कहां पर किया था? तो इसने अपने व्यायाम का प्रदर्शन सबसे पहले किया था 1936 बर्लिन ओलंपिक में। 1936 बर्लिन जर्मनी ओलंपिक में इन्होंने सारे गतिविधियों और मलखम का प्रदर्शन किया था HBPM ने। और दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि HBPM ने किस लिंगयार्ड में
अपना प्रदर्शन किया था, तो 1949 में दूसरे लिंगयार्ड खेलों में व्यायाम का प्रदर्शन किया गया, जिसका आयोजन स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है CABPER, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुआ 1950 में। नेक्स्ट है AICS, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई, इसको मैं बता चुकी हूँ। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना यानी कि खेल सलाहकार समिति की स्थापना हुआ 1954 में। नेक्स्ट है AICS के पहले चेयरमैन कौन थे जिन्हें इसकी शुरुआत का श्रेय दी जाता है? तो इसके पहले चेयरमैन थे स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है दोस्तों, LNCPE की स्थापना कब और कहां हुआ? तो कई बार रिपीट हो चुका है, 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है, कौन खेल की कौन सी शाखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अर्जुन अवार्ड तथा द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट देती है? तो कौन देता है दोस्त लिस्ट देती है खिलाड़ियों की? तो AICS यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड के खिलाड़ियों को लिस्ट देता है, जिसके हिसाब से उसको अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कब हुई तथा इसके चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों, एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना 1958 पटियाला में नरेश यादविंदर सिंह इसके पहले चेयरमैन थे। नेक्स्ट है दोस्तों, कि कौल कपूर कमेटी में किन दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियुक्त किया गया? तो कौल कपूर समिति में किन दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इसमें नियुक्त किया गया एमके कौल और यमयन कपूर को। किसको? एमके कौल और यमयन कपूर को। जैसा कि दोस्तों, कौल कपूर समिति की स्थापना 1960 में एमके कौल और यमयन कपूर नामक अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के दो सदस्यों द्वारा किया गया, जो 1960 ईस्वी में रोम ओलंपिक खेलों में पर्यवेक्षकों के रूप में गए थे तथा उन्होंने कई देशों का दौरा भी किया और 1961 ईस्वी में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसका उद्देश्य है दोस्तों, ओलंपिक खेलों के पर्यवेक्षण के रूप में दुनिया के खेल संगठनों एवं कार्य प्रणालियों का अध्ययन करना। नेक्स्ट है, कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? तो अपना कार्य शुरू किया 1960 रोम ओलंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट है, कुंजरू कमेटी की स्थापना कब हुई तथा इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो कुंजरू समिति की स्थापना हुआ 1959 में हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा, इसके पहले चेयरमैन थे हृदयनाथ कुंजरू। नेक्स्ट है, अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस सन में शुरू किया गया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 1956-57 में शुरू किया गया। यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है और इसमें अब तक में सबसे ज्यादा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने इनाम जीता है। नेक्स्ट है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम किस सन में शुरू की गई? तो आप सबको पता है, 1953 में किया गया। नेक्स्ट है, NCC की शुरुआत कब और किसने की? तो NCC की शुरुआत 1948 में किया गया पंडित हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा, यानी कि कुंजरू समिति के द्वारा। नेक्स्ट है, नेशनल फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव की स्थापना कब हुई? तो नेशनल फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव की स्थापना 1959-60 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि NSS का फुल फॉर्म क्या है? NSS का फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम। नेक्स्ट है, NSS की शुरुआत कब हुई? तो NSS की शुरुआत है 1969 में, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स
यानी एनएसएनआईएस की शुरुआत कब हुई? तो 7 जून 1961 में इसकी शुरुआत हुआ। नेक्स्ट है एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट क्रॉप्स। तो दोस्तों ये था हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में शारीरिक शिक्षा के इतिहास से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, जो आपको भी समझ में आया होगा। दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और डेली बेसिस बने रहिए इसी तरह बेहतरीन जानकारी के लिए। तो दोस्तों यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।